ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। यूं तो मैंने लाखों मोहिनी मंत्र बताए हैं जो कि पल भर में किसी को भी आपके अधीन कर सकते हैं, लेकिन अक्सर मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि गुरुजी अनार का पेड़ नहीं मिल रहा, नदी किनारे नहीं जा पा रहे, घर से बाहर नहीं निकल सकते, गुरुजी कुछ ऐसा बताइए जो कि सुलभ हो, जिसको कोई भी कर सके और जो आम मानस के लिए सुलभ हो, जिसे अधिक सामग्री की जिसमें की आवश्यकता ना हो और घर पे ही किया जा सके। तो देखिए, यदि आप चाहते हैं कि किसी पर मोहिनी लग जाए तो जो जो सामग्री आपको बताई जाती है उसको आप जो है एकत्रित करें। यदि आप उस औषध को एकत्रित करने में समर्थ नहीं हैं तो आप ये वाला प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जितने मेरे प्रयोग हैं उन सब में औषध लगती हैं, कुछ ऐसे ऐसे जड़ी बूटियां लगती हैं जो कि विरले ही पाई जाती हैं, लेकिन अनार का पेड़ तो कहीं पर भी मिल जाता है। अनार का जो पेड़ है उसमें ये क्षमता होती है कि किसी को भी आकर्षित करने में वो आपकी सहायता कर सकता है। तो आप नर्सरी से जाएं, वहाँ से एक पेड़ लगा लें, तो जब भी कभी सम्मोहन की, किसी को आकर्षित करने की साधना करनी होती है तो अनार के पेड़ के नीचे की जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सफ़ेद आग के फूलों की एक ऐसी प्राचीन विधि जो कि किसी को भी आपके वशीभूत कर देगी। बहुत ही गोपनीय विधि है जो कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी कोई आपको ना बताए, किंतु आप सबका प्यार देखते हुए आज मैं आपको ये प्रयोग बता रहा हूँ जो कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देगा। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक मुस्लिम महिला आई थी, तो उनको मैंने श्वेता गणपति दिया और मैंने उनको बताया कि 21 दिन की साधना है, आपको ये प्रयोग करना होगा। लेकिन बीच में उनके कुछ रमजान होते हैं, वो आ गए तो उन्होंने बीच में साधना नहीं की और उसके बाद उनका रिजल्ट नहीं मिला। तो देखिए, जैसा मैंने बताया है कि 21 दिन 41 दिन अगर आप उस बीच में उस साधना को छोड़ देते हैं तो भगवत कृपा से आपकी जो आधी अधूरी है उसका फल आपको मिल सकता है, लेकिन जब तक उसको पूरी नहीं करेंगे आपको फल कदाचित प्राप्त नहीं होगा। तो यदि मैं कहता हूँ कि 21 दिन 41 दिन करना है तो उसको कीजिए, तब जाके आपको उसका असर दिखेगा, वरना सारा कुछ विफल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आपको क्या करना है, पूर्व तैयारी कीजिएगा जिसमें कि आप एक सफ़ेद आग का पेड़ ढूंढ लें, कहीं पर भी, किसी वाटिका में लगा हो, किसी घर में लगा हो। तो अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला मुझसे मांगने आई थी सफ़ेद फूल, तो मैंने नहीं दिए। कभी भी आपके घर में जो सफ़ेद आग का पेड़ लगा हो उसकी डंडियाँ, उसकी टहनियाँ, उसके फूल किसी को भी ना दें। इसके बजाय आप एक पौधा जो है वो पौधा दे सकते हैं, लेकिन कभी भी लगे हुए पेड़ में से कुछ भी चीज़ तोड़कर ना दें, क्योंकि ये विघ्नहर्ता पेड़ होता है, ये गणपति का पेड़ है। इस पेड़ से आपके जितने भी विकार हैं वो दूर होते हैं, और यदि किसी और को आपने कोई टहनी तोड़ के दे दी, इसकी जड़ निकाल के दे दी, तो वो सारा कुछ जो है वो आपके ऊपर भी आ सकता है, मुसीबतें आपकी बढ़ सकती हैं। तो किसी दूसरे की मुसीबत आप पर ना आए, इसीलिए कहता हूँ कि अपने घर के भीतर जो लगा हो, आपकी वाटिका में जो लगा हो, उसमें से सफ़ेद रंग की चीज़ कभी मत दीजिए, सफ़ेद फूल मत दीजिए, सफ़ेद जो आँख होता है उसका कोई भी पार्ट जो है आपके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। चाहे व्यक्ति जो है कितना ही इंसिस्ट करे कि मुझे ये चाहिए, तो आपको अपनी सुरक्षा को देखते हुए वो सफ़ेद फूल या फिर उस सफ़ेद आँख के दूध या फिर उसकी जो जड़ है उसको कदा भी किसी को भी मत दीजिएगा। तो चलिए, आज मैं आपको बड़ा ही सरल उपाय बताता हूँ जिसको कोई भी कर सकता है। आपको क्या करना है कि एक गोलाकार आकृति बनानी है, एक सर्कल बनाइएगा और उसके बीच में एक डॉट लगा दीजिएगा, और ये जो है आपको लाल पेन से बनानी है।
आप सिंदूर से बना सकते हैं, सिंदूर ना हो तो लाल पेन से, स्केच पेन से आप बना लीजिए। बीच में एक डॉट लगाइए और डॉट के नीचे लिख दीजिएगा देवदत्त। देवदत्त के ऊपर आपको दो फूल रखने हैं सफ़ेद आग के, और उसके पीछे जो है आपको अपने साथी का और अपना नाम लिख देना है। और ये जो यंत्र बन जाएगा, इस यंत्र में आपको दो फूल डालकर उसी पेड़ के नीचे आपको गाड़ देना है। ऐसा करके बिना पीछे मुड़े आप अपने घर की ओर आ जाइए। आप पाएंगे कि एक दो दिन में ही जिसने आपको ब्लॉक कर रखा था उसने आपको अनब्लॉक कर दिया है। और ये मैंने अभी अभी कल ही करके देखा है, और जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। बहुत बढ़िया, ऐसे चमत्कारी प्रभाव इससे दिखने को मिले हैं कि उनको बयां नहीं किया जा सकता। यदि सालों से किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो भी ये काम करेगा, यदि पति पत्नी में जो है अनबन है तो भी ये काम करेगा। और कई केसेस तो ऐसे भी आते हैं जिसमें कि जो पति है वो पत्नी को उसके मायके छोड़ आता है और लेने नहीं आता, तो ऐसे में भी इस प्रयोग को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आपको करना क्या है कि एक कोरा पन्ना लीजिएगा, उसमें एक सर्कल बनाइएगा, सर्कल के बीचों बीच आपको उसकी नाभि बनानी है। नाभि में आपको दो फूल रखने हैं और नीचे लिखना है देवदत्त, और इस पेज के पीछे आपको लिखना है जो भी दो व्यक्ति हैं जिनको एक करना हो, जिनको समीप लाना हो, उनका नाम लिख दीजिएगा। और इसके बीच में दो फूल डालकर सफ़ेद आग के, इसको सफ़ेद आग के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिएगा। और ये आप अपनी वाटिका में कर सकते हैं, किसी वीराने में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको ये पेड़ मिल जाए। और यदि पेड़ नहीं है तो आप एक नया पौधा भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन फूल उस पर होने चाहिए। यदि फूल नहीं है तो ये प्रयोग काम नहीं करेगा। इस प्रयोग में सावधानी आपको ये रखनी है कि जब भी इस प्रयोग को करें तो ये सुनिश्चित करें कि जब ये प्रयोग आप कर रहे हो तो आपके आसपास कोई ना हो। यदि ये करते हुए आपको कोई देखता है तो भी ये प्रयोग काम नहीं करेगा। यदि इस प्रयोग को करते हुए आपके समीप कोई आ गया, किसी ने आपको टोक दिया, तो ये जो आपकी प्रक्रिया है ये विफल हो जाएगी। इस तंत्र को करते हुए एकाग्रचित होकर आपको ये प्रयोग करना है, और जिस स्केच पेन से आप ये सब करें उसको नदी में बहा दें, जो भी आप सामग्री यूज़ करें वो सारा कुछ जो है आपको वहीं नहीं छोड़ना है, उसको जाकर किसी नदी में बहा दें। और इसके बाद आप पाएंगे कि हफ्ते भीतर आपके जितने भी बिगड़े हुए काम थे वो सारे बनने शुरू हो गए हैं। इस पेड़ को विघ्नहर्ता पेड़ भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जो है गणपति का निवास होता है। इसकी महिमा अपरंपार है। मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इस पौधे को किस तरह से अपने घर में लगाएं, क्योंकि जितने भी दूध देने वाले पौधे होते हैं जैसे आग का पौधा हो गया, ये सब लगाने वर्जित होते हैं, लेकिन जो सफ़ेद आग है ये अकेला एक ऐसा पौधा है जो कि आपको शुभ फल देता है। यदि आप जानते हैं कि उस पौधे को कैसे और कहां पर लगाना है, इनकी दिशाएं होती हैं, इनके निश्चित स्थान होते हैं, यदि उस जगह पर आपने सफ़ेद आग का पौधा लगा दिया तो आपके जीवन भर जब तक उस घर में आप रहेंगे तब तक आप पर विपदा नहीं आएगी। और ये बहुत से लोगों पर मैंने प्रयोग करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी इस प्रयोग को करें तो सुनिश्चित करें कि आप सात्विक हों। जैसे आज आपने प्रयोग कर दिया या फिर कल करने वाले हैं, तो आपको जो है अपनी हाइजीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपके मुखमंडल पे एक आभा सी आ जाएगी जब इस प्रयोग को आप करेंगे, और सात्विक होकर करें। किसी भी तरह का मादक पदार्थ जैसे बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, यदि ये आप इनका सेवन करते हैं तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। और जो लोग छोड़ नहीं सकते वो कम से कम जब तक इस प्रयोग को करें तब तक आप इनसे दूर रहें, क्योंकि आपके मन का, आपके मस्तिष्क का, आपके तन का इसमें स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है।
जब ये सारी चीज़ें जो हैं एक समांतर लेवल पर आ जाएंगी तो ये काम करना शुरू कर देगा। बहुत ही सरल है, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं info@mohiniwidya.com पर, और मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9982416625 पर।